दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है बनाने के लिए जो आज गोहाना के नागरिक अस्पताल में जो है कैंप लगाया गया है और नोडल अधिकारी भी यहां पहुंचे हैं सोनीपत से। इसे जानते हैं सर, जिस तरह से कैंप लगाया है, इस कैंप के द्वारा क्या क्या यहां देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो भी हमारे पास डाटा आया था दिव्यांग का, वो हमने उस चीज़ को वेरीफाई करा करके उन सभी सिटीजन्स को कॉल कराया गया है और साथ ही साथ हमने अपने ऑपरेटर्स को बिठाया गया है कि अगर किसी सिटीजन का ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो वो साथ ही साथ ऑनलाइन प्रोसेस करके और डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जिसका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा और उसका जो भी प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा तो उनको साथ के साथ हम UIDAI कार्ड दे देंगे, जिससे वो अपनी जो भी मूलभूत अपनी सुविधाएं हैं वो उनका फायदा उठा सके। सर, इसमें कितने काउंटर यहाँ बनाए गए हैं? आज जो कैंप लगाया है ये कब तक जारी रहेगा? कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? सर, इसमें हमारे 6 काउंटर बने हुए हैं, जिसमें हमारे एक वेलकम डेस्क है और हमारे 5 जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हुए हैं और ये कैंप जो है आज और कल 2 दिन लगातार चलेगा जी। तो इसमें आज जो ग्रामीण एरिया के लिए है, आज जो है ग्रामीण एरिया से भी है लेकिन कुछ सिटीजन्स जो है अर्बन एरिया से भी आ रहे हैं तो हम उनको भी साथ के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं इस चीज के लिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। सर, सुनने में है कि इसके साथ साथ जो है मुलाना कथुरा ब्लॉक का भी कैंप लगा है। सर, मुलाना कथुरा का कैंप जो है वो 6 से 7 तारीख का है, 6 मार्च और 7 मार्च का है, वो भी यहीं पे प्रेफर किया गया कि वो भी अपना CSC गोहाना पे लगेगा। तो लगातार जारी रहेगा, लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा। सर, जिस तरह कैंप लगाया है उसके बाद क्या क्या यहाँ देखा जा रहा है, परिवार पत्र देखा जाएगा? सर देखिए, डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं कि सबसे पहले तो दिव्यांग के पास अपना ऑनलाइन किया हुआ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास उसकी फैमिली ID होनी चाहिए, उसके बाद उसका फोटो होना चाहिए, उसके बाद ही आगे ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आगे हम कंसर्न डॉक्टर के पास भेजा जाता है। तो प्रमाण है उसका जो आज ही मिल जाएगा? हाँ, UIDAI कार्ड जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसको आज हम UIDAI कार्ड साथ के साथ प्रोवाइड कराएंगे। बड़ी संख्या में गोहाना में पहुंच रहे हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए। सर, नोडल अधिकारी उस तरह क्या क्या कहना है, डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पहुँच रही है? ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत कहेंगे हम, क्योंकि अब तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इस तरह के कैंप लगते थे, अब ब्लॉक लेवल पे इसकी शुरुआत की गई है ताकि जो लोगों को असुविधा ना हो, जिले पे जाना पड़ता था, असुविधा होती थी, कोई साधन नहीं होता, तो ये ब्लॉक लेवल पे सुविधा दी जा रही है और विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनके द्वारा असेसमेंट की जाएगी ताकि उनकी जो है आगे की जो उनको जो इससे लाभ मिलना होता है, पेंशन मिलनी होती है, वो कार्रवाई सुचारू रूप से की जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि भी दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है अब की बार ऑनलाइन बनाए जाएंगे, जिसके लिए अलग से जो है यूनिक डिसेबिलिटी पोर्टल ऑनलाइन शुरू कर चुके हैं, आप घर बैठे भी उस पर अप्लाई करके अपना प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी जो है दिव्यांगता की असेसमेंट करवा सकते हैं। सर, बिल्कुल आपने कहा कि सरकार की एक अच्छी पहल है, आप घर बैठे भी जो है अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी भीड़ हम देख रहे हैं। अभी देखिए, भीड़ को देखते हुए जो अलग अलग ब्लॉक के कैंप लगाए गए हैं, लेकिन कुछ अलग अलग ब्लॉक्स के भी यहाँ पे जो है दिव्यांग पहुँचे हुए हैं। आज वैसे तो गोहाना जो है रूरल एरिया का कैंप था, कल गोहाना अर्बन एरिया का कैंप है, मंडे को मुरलाना ब्लॉक का कैंप है और देन जो ट्यूसडे है उसको कथुरा ब्लॉक का है, लेकिन कुछ मिक्सिंग हुई है जिससे जो है ज़्यादा दिव्यांग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश रहेगी जितने आए हैं उतनों मैक्सिमम हम उनको कवर अप करें। तो सभी का आज बन जाएगा जिस तरह से जो पहुँचे हैं? जी, अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर बना गया, वहाँ से टोकन दिया जा रहा है, वो सुबह 9 बजे से ही कार्रवाई हमने शुरू कर दी थी ताकि डॉक्टर्स की टीम आए उससे पहले ही उनको टोकन दिया जा चुके ताकि उनके असेसमेंट समय पे शुरू हो सके। तो बिल्कुल, जिस तरह से बाहर रजिस्ट्रेशन बाहर हो रहा है तो यहाँ अंदर डॉक्टरों की टीम क्या क्या जाँच करेगी? देखिए, अलग अलग रूम्स उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिनमें कि आँखों के चिकित्सक हैं, वो आँखों से संबंधित जिनको जो डिसेबिलिटी है वो उनको असेसमेंट की जाएगी, हड्डी रोग विशेषज्ञ आ चुके हैं, जनरल फिजिशियन है, तो ये सारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनकी देखरेख में संबंधित बीमारी से संबंधित जो भी दिव्यांगता है उसकी असेसमेंट की जा रही है ताकि उनके प्रमाण पत्र बनाए जा सके। तो बिल्कुल, सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल मैं कहूँगा, आज जो गोहाना में जो है दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो कैंप लगाया गया है और ये कैंप जो है अलग अलग दिन जो है 4 दिन तक लगातार चलेगा। देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपना परिवार जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, काफ़ी परेशानी भी हो रही है क्योंकि देखिए कुछ लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी जो है 8 काउंटर बनाए गए हैं, सबके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और आज गोहाना रूरल एरिया के लिए जो है
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से बताया गया डॉक्टर ने अभी कि गोहाना रूलर के साथ साथ गोहाना शहरी और कई और भी गांव के लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, सभी का जो है उसके बावजूद व्यवस्था की जा रही है, सभी का जो है आज जो है इनकी चेकिंग चेक करके जो है डॉक्टरों की टीम आई हुई है, उसके बाद जो है उनका प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आखिर कितना वो दिव्यांग है, उसके बाद जो है उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी। भाई साहब कहाँ से आए हो? बड़ौता से। बड़ौता से क्या दिक्कत? ये गुड़िया को हुआ, कम सुनता है, कम मान ले बोलती रही। अच्छा, जिस तरह से आज यहाँ कैंप लगाया, कितना अच्छा मानते हैं? अच्छा ही है, जो भी मान ले अच्छा है, बच्चों की मान ले सुरक्षा के लिए वो है। तो अब जिस तरह सरकार ने गांव गांव लेवल पर इस तरह की शुरुआत कर दी है, तो पहले दूर जाना पड़ता था, अब जाना नहीं पड़ेगा, तो अच्छा है? घना अच्छा है ये। इस गांव गांव मान ले, एक तो शहर में धक्के खाने पड़ते थे, अब मान ले गांव में ही ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा है। तो कब से खड़े हो यहाँ? मैं यहाँ से एक घंटा हो गया। चलिए, काफी समय जरूर इनको लग रहा है, आप देख सकते हैं व्यवस्था बनाने में, और यहाँ अलग अलग काउंटर जो है वो बनाए गए हैं, और गोहाना के आसपास के ग्रामीण जो है काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। नमस्कार जी, जिंदा साहब, कितनी देर से खड़े हो? आध घंटा हो लिया जी। अच्छा। हाँ जी, कोई व्यवस्था नहीं, नंबर नहीं आता जी। अच्छा, पहले ये कह रहे कि ऑनलाइन कर सकते थे? ऑनलाइन बतेरे कर दिए जी, ऑनलाइन है, लेकिन कोई व्यवस्था भी बात नहीं, सुबह के खड़े हैं, क्या करें जी, मजबूरी है। हाँ जी, समय लगेगा जी, डॉक्टर भी आए नहीं है। आ चुके तो वो ये कह रहे गूंगे बेरा का अवेलेबल नहीं है आज। अच्छा, अच्छा। उसके बाद देखो कब की डेट देंगे, कब की। मतलब आपकी सरकार ने जिस तरह से अब शहर में इस कैंप लगाया, तो अच्छा उससे? हाँ अच्छा जी, अच्छा, पहले सोनीपत जाकर तो उससे अच्छा यही है। चलिए, जिस तरह सरकार ने शुरुआत की है उसको अच्छा मान रहे हैं, हालांकि समय लग रहा है, भीड़ ज्यादा है, काफी बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं यहाँ पर। कितने टाइम से खड़े हो? 9 बजे के आ रही है। 9 बजे के आ रही है। हाँ, अभी नंबर नहीं आया, वो कौन बन रहा साफ पीटे कटे? अच्छा, सर्टिफिकेट नहीं बनवाया? हाँ, पता नहीं, दया बनवाया नहीं, बेरा है कौन था पता नहीं। हाँ, बेरा कौन था? आपको कितना टाइम हो गया भाई साहब? मैंने एक घंटा सारा हो गया जी, एक डेढ़ घंटा। खनपुर आए हैं जी, ये लड़की का कागज बनवाना है, वो बन नहीं रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? तेन ब्लैन मला को 2 घंटे पास नंबर आओगा। हाँ, बीड के उससे कह रहे हैं। तो सरकार ने इस तरह की शुरुआत की है, जिस तरह पहले सोनीपत जाना पड़ता था, अब गोहाना में ही कर दिया, तो क्या कहना? गोहाना में कर दीजिए, ठीक हो गया गोहाना में। आगे थे हम तो खानपुर तक आए हैं। पहले कितनी परेशानी होती थी? परेशानी तो जी पहले भी नुए थी, रही बीवी नुए, परेशानी तो मिटती है नहीं। समय लग रहा है जी, समय लैन मला को सब दिन खराब हो जाए, ये परेशानी है जी। सरकार ने तो ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू कर दिया। आप तो ऑनलाइन सिस्टम सारा सौदा ठीक कर दिया जी सरकार ने, तो ठीक कर दी है सरकार, जो कुछ कर रही है। चलिए, जो लोग यहाँ दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए उनको पता नहीं था कि ऑनलाइन कैसे कराया जाता है, लेकिन समय जरूर लग रहा है। यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं उनको परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। एक युवा भी यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहूँगा? नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, ये जो कैंप का जो प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम, आप मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे। आप देख रहे होंगे कि जितने भी विकलांग ही आए हुए हैं, उनके उसके साथ में साइन आए हुए हैं। समस्या क्या है, ये ना तो इनको प्रॉपर पता कि भाई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे और वेरिफिकेशन यहाँ हो रही है। इनको अलग से कम अलग काउंटर करने चाहिए थे, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उसका काउंटर यहाँ पे लगाओ, जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ उसका काउंटर वहाँ पे लगा, ताकि इस लाइन में लगभग अभी तक 4-5 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और लोग काफी परेशानी से खड़े हुए हैं। आप भी एक बार अंदर जाके देखोगे तो काफी परेशानी हो रखी है। हम भी देख रहे हैं, काफी भीड़ है, काफी कह रहे हैं कि डॉक्टर से कंसल्टेशन कराओ। मेरा टोकन नंबर मैं भाई को लेके आया हुआ हूँ, वो उठ भी नहीं पा रहा और बैठ भी नहीं पा रहा है। समस्या क्या रही, डॉक्टर अभी तक बैठे नहीं है, अलग अलग तरह के डॉक्टर है। अभी कह रहे हैं कि भाई साइकोलॉजी वाले डॉक्टर है नहीं, न्यूरो वाले डॉक्टर है नहीं, ऑर्थो वाले डॉक्टर है, ऑर्थो वाले डॉक्टर होते हुए भी अभी तक अपने कैबिन में नहीं बैठे हैं। पहले तो लोगों को यहाँ समस्या फेस कर सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद वहाँ फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो मेरी अभी देखो यहाँ पे हर आदमी यहाँ पे आना मेरे ख्याल से इलिटरेट ही है, या छोटी मोटी जो भी थोड़ी बहुत पड़ी है, इनको पता नहीं कौन सा नंबर पे कहाँ जाना है, ना कोई यहाँ पे बताने वाला कि भी आप उस कमरे नंबर पे जाओ, वहाँ पे या तो प्रॉपर बेंच लगाया जाए कि भी अब आप यहाँ पे जाओ।
अभी आप जैसे देख सकते हो इतनी बुरी कंडीशन है, अभी डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होंगे, अंदर आपने चेक कर लिया होगा पेशेंट अभी भी खड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या समझेंगे? आप समझदार हो हमारे, आपका कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए जो कि नहीं हुई है। डॉक्टर आए नहीं आज, क्या कह रहे हैं? कह रहे डॉक्टर आए नहीं, डॉक्टर आएंगे नहीं आज, कल आएंगे। डॉक्टर आए हैं अभी, पहले तो देखा है डॉक्टर की टीम आई है, लेट पहुंची है, लेट पहुंची है। वो कह रहे डॉक्टर आए नहीं है, कान वाले डॉक्टर आए नहीं है, कान नाक वाले कोई डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर आए नहीं, खान का भीड़ बना दी वैसे। ये तो है सर, सर सर कुछ लोगों की दिक्कतें आ रही है कि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं पहुंचे, कान का डॉक्टर नहीं है। देखिए डॉक्टर को कोई इमरजेंसी हो सकती है, आज कान का और गले का डॉक्टर नहीं पहुंचा हमारा, और जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कल वाले कैंप में अवेलेबल रहेंगे। और कोई इमरजेंसी को जैसे दो जो डॉक्टर आने थे, कान का और नाक का डॉक्टर नहीं पहुंचा है, हालांकि इनका कहना है कि जो कल ये कैंप जारी रहेगा उसमें जरूर पहुंचेंगे। हो सकता है कुछ मजबूरी हो सकती है किसी को, और इसी मजबूरी की वजह से चलते जो है दो विभाग के जो डॉक्टर है, कान का जो गले का है, वो डॉक्टर नहीं पहुंचा है। और आप देख रहे हैं कि जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है आज गोहाना के नागरिक अस्पताल में जो है कैंप लगाया गया है, ये कैंप जो है लगातार 4 दिन तक जो है जारी रहेगा। आज गोहाना रूरल के लिए है, कल गोहाना शहरी के लिए होगा, इसके बाद जो है मुल्लारा और कुथुरा ब्लॉक के लिए जो है कैंप लगाया जाएगा। अब इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।